अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिफ। तो आज का हमारा ये पहला टॉपिक है वर्ड पैड। वर्ड पैड क्या है? वर्ड पैड एक बेसिक प्रोग्राम है जो ऑलरेडी हर कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद होता है। दोस्तों, तो आइए आज वर्ड पैड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो वर्ड पैड एक बेसिक प्रोग्राम है, तो आप ये अपने कंप्यूटर के अंदर फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा दोस्तों? यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट मेन्यू का बटन यहाँ से प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे, क्या टाइप करना है आपने? वर्ड पैड, WORD वर्ड PAD। इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वर्ड पैड एक प्रोग्राम है, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो दूसरा तरीकाकार क्या है कि Alt F4, इसे तो क्लोज कर देते हैं। Alt F4 क्लोज कर दिया, ठीक है। दूसरा तरीकाकार यह है कि आप लोगों ने विंडो वाला बटन प्लस R वाला बटन प्रेस करते हैं तो रन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने टाइप करना है WORD वर्ड PAD। इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास वर्ड पैड एक प्रोग्राम है जो कि ओपन हो चुका है। तो इसका थोड़ा सा तारुफ बता देता हूँ। इसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं दोस्तों? एप्लीकेशन लिखनी होगी, लेटर लिखना होगा, असाइनमेंट बनानी है, CV बनानी है, तो इसके अंदर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखते हैं तो कॉर्नर में, ये मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कॉर्नर में एक हमारे पास छोटी सी ये लाइन लगी हुई है। इस लाइन से पीछे ये जो हमारे पास पट्टी है, इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। कर्सर इसे थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ये जो पट्टी है हमारे पास, इसका नाम है टाइटल बार। टाइटल क्या होता है? टाइटल कहते हैं उनवान को। उनवान क्या होता है? जब भी यहाँ पर हम कोई फाइल बनाते हैं, जिस फाइल से नाम हम सेव करेंगे, वो फाइल का नाम इधर टाइटल पर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास बटन है, इसे कहते हैं फाइल बटन या वर्ड पैड बटन भी कहते हैं। आगे ये जो हमारे पास पट्टी है, जहाँ पर देखते हैं दोस्तों माउस चल रहा है, इस पट्टी का नाम है रिबन टैब। तो नीचे ये जो प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं रिबन्स। व्यू ओपन किया है, नीचे जितनी भी प्रॉपर्टीज आई है इसको भी रिबन्स बोला जाएगा। होम ओपन किया है, नीचे जितनी प्रॉपर्टीज आई है इसको भी रिबन्स बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास कर्सर जहाँ पर चल रहा है, इसके कहते हैं रूलर। रूलर भी कह सकते हैं दोस्तों, फुट्टा पैमाना स्केल भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे उसे रूलर कहेंगे, ठीक है। तो नीचे ये जो हमारे पास पेज शो हो रहा है, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स। हमने कुछ लिखा है या नहीं लिखा, तो ऑलरेडी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स शो कर रहा है, ठीक है। तो नीचे ये जो पट्टी है हमारे पास, इसे कहते हैं स्टेटस बार। जूम इन जूम आउट वाली पट्टी, ठीक है। तो जूम इन जूम आउट वाली पट्टी ये जो हमारे पास है, इसे कहते हैं स्टेटस बार। नीचे ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है, इसका नाम है टास्क बार। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर कुछ भी डाटा हमने टाइप करना होता है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर न्यू कैरियर लिख लेते हैं, इंस्टीट्यूट कर लिया, ठीक है। कुछ भी डाटा आप लोग लिखते हैं यहाँ पर, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो सिलेक्ट करने के भी मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। सिलेक्ट किस तरह करना है? पहले तो माउस की मदद से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर कर माउस को थोड़ा थोड़ा पीछे लेते जाएंगे तो डाटा क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। जितना भी डाटा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्लिक करके माउस को पीछे ले जाएंगे, डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यही काम आप यहाँ से करना चाहते हैं तो लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यही काम कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए जो है वो सिलेक्ट ऑल की शॉर्ट कीज है। अगर आप कीबोर्ड से करेंगे तो कंट्रोल ए करेंगे, तमाम डाटा जितना भी होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। क्लिक करके माउस को पीछे ले जाएंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप हरूफ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट वाला बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना है और राइट एरो का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक एक हरूफ सेलेक्ट होते जाएंगे। अगर आप कीबोर्ड से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट और एरो कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो करेंगे तो एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है? यहाँ पर कॉपी करना है। तो दोस्तों, यहाँ से सेलेक्ट करना है सबसे पहले, उसके बाद कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, डाटा कॉपी हो गया है। तो दोस्तों, डाटा हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आगे शो तो नहीं हो रहा, कब शो होगा? जब हम पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एक बार कर्सर आएगा। ये लाइन दोस्तों अगर देखें, जहां पर मैं माउस से आपको जूम करके दिखा देता हूं, ये जो लाइन है इसे कर्सर बोलते हैं। अगर मैं इसे पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो एक बार कर्सर, दोबारा वो डाटा, जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे, माउस की मदद से क्लिक करते जाएंगे, डाटा आगे आता जाएगा। तो सारा डाटा मैंने दोबारा सेलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, तो कॉपी के ऊपर क्लिक किया, कॉपी हो गया डाटा। पेस्ट करेंगे, एक बार कर्सर आएगा, दोबारा क्लिक करते जाएंगे तो ये डाटा डबल होता जाएगा, ठीक है। तो अगर यही काम कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जितना भी डाटा आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, कंट्रोल और सी वाला बटन, कंट्रोल प्लस सी, सी का बटन प्रेस करते हैं, डाटा कॉपी हो गया है लेकिन आगे शो नहीं हो रहा। कब शो होगा? जब पेस्ट करेंगे। पेस्ट की जो शॉर्ट कीज है वो है कंट्रोल प्लस वी,
कंट्रोल और वी वाला बटन प्रेस करते हैं, एक बार कर्सर आएगा, दोबारा आप क्लिक करते जाएंगे, जितनी बार क्लिक करेंगे यही डाटा आगे आता जाएगा।